मोहम्मद तलहा खान पूछते हैं, शादी के लिए सबसे बेहतरीन उम्र क्या होनी चाहिए? बेटा, शादी के लिए बेहतरीन उम्र में दो बातें समझें। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बालिग होने के बाद शादी की जा सकती है, लेकिन मुल्की कवानीन में देखें कि 18 साल की उम्र से पहले मुल्की कवानीन में शादी की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए बेहतर हो कि 18 साल उम्र भी हो जाए और बालिग भी हो गए हैं तो आकल बालिग हैं, ये अपनी बीवी के हुकूक अदा कर सकता है, माली भी अमली भी हर तरह के मामलात पर कुदरत रखता है, तो इसकी निकाह की बेहतरीन उम्र है। निकाह छोटी उम्र में बालिग होने के बाद जब ये मुल्की कवानीन के उम्र यानी 18 साल हो जाए तो उसके बाद ये निकाह बहुत बेहतर बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी इस उम्र में निकाह हो जाए, 18 साल की उम्र में बच्चे और बच्ची का आप आपस में निकाह करते हैं, जब ये 38 साल के होंगे 20 साल बाद तो इनकी बेटी या बेटा वो भी 20 साल का होगा, तो इनको 38 साल की उम्र में 20 साल की औलाद मिल जाए। एक बंदा अभी अप टू 40 ना हो, 40 साल की उम्र अभी उसने क्रॉस ना की हो और उसको 20 साल का बेटा मिल जाए, मुझे बताएं इसको दुनिया में और क्या नेमत चाहिए। हाथ बटाने वाली औलाद इसके साथ ठहरी हुई है तो ये बहुत बेहतर है। ऐसी उम्र में निकाह का फ़ायदा ये है कि ईमान बिल्कुल छोटी उम्र में मुकम्मल हो जाता है। हदीस पाक में जब बंदे ने कलमा तैयबा पढ़ लिया, ईमान जो है ना आधा इसने हासिल कर लिया, मुकम्मल ईमान इसका निकाह पे होगा। तो मेरे दोस्तों, फ़कद इस्तकमल अल ईमान, ईमान की तकमील है, इसलिए बचपन में शादी को रिवाज दें। मैं आपके सामने वो जोड़ा पेश करता हूँ, रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के जिन्हें वालिदैन कहते हैं, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी और अब्बू जान, हमारी ज़िंदगियाँ कुर्बान उनकी अजमतों पर, उनके नामूस पे। हज़रत अम्मा जान आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की शादी की कभी उम्रें भी सोच लिया करें, कितनी उम्र में इनकी शादी हुई थी। हज़रत रसूलुल्लाह जब पैदा हुए तो इनके वालिद दुनिया में नहीं थे, फौत हो गए थे। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हज़रत आमना के पेट मुबारक में है, उनके वालिद दुनिया से चले गए और हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के वक्त उम्र 18 साल है, 19वां साल चल रहा है। आप मुझे बताएं ये शादी कब है? एक साल पहले है। हज़रत अम्मा जान आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के वक्त उम्र 24 साल है, जब मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल पूरी हो चुकी है। तो अंदाज़ा लगाएं ये 17 साल की उम्र में 18 साल की उम्र में शादी है, तो ये कितना खुशकिस्मत जोड़ा है यार। मैं इस कपल को कितना सलाम पेश करूँ, किस अकीदत से बात करूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अब्दुल्ला की कब्र पर जन्नतुल बकी में हाज़िरी दी है, हज़रत अम्मा आमिना की कब्र पर मैंने अबवा कई बार हाज़िरी दी, अल्हम्दुलिल्लाह कई बार हाज़िरी दी। हज़रत अम्मा जान की कब्र पर अल्लाह हम सबको ले जाए और अल्लाह हमें वहाँ उनको इसाले सवाब की तौफीक अता फरमाए, तो कितना खूबसूरत ये जोड़ा है। तो इसलिए मुनासिब है कि हम इस उम्र में शादी को रिवाज दें ताकि बच्ची और बच्चे की आँख निकाह में खुले, गुनाह में न खुले। जज़ाकुमुल्लाह। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً।